कैसे हैं दोस्तों। आज हम आपके लिए दोबारा से हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज हम आपके लिए लेकर आए क्यूट सा स्लिप डिजाइन, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो का एक प्यासा कमेंट जरूर दीजिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी स्लिप कटी हुई रखी है। ठीक है, ये हम इस कपड़े से इस मैचिंग का डिजाइन बनाएंगे। ये हमने पट्टियां काट कर रखी है। एक हमारी है 7.5 इंच चौड़ी, ठीक है, और एक हमने काटी है 1.5 इंच चौड़ी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाना है, बड़ी वाली से स्टार्टअप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आप इसमें उल्टे सीधे का पहले निशान लगा लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो उल्टे सीधे में। अगर आपका प्रिंटेड है तो बहुत आसान रहेगा। तो हमें सबसे पहले इसे फोल्ड करके सीधा अंदर की साइड रखना है और इसे हमें पलट लेना है पहले। ठीक है, इसे हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं और इसे पलट लेते हैं। दोनों का एक जैसा पलट लेना। देखिए दोस्तों, हमने ये सिलाई लगा ली है अपनी ऐसे करके। अब हम इसे पलट लेंगे। हम इसे बस यूं करके पलट लेंगे पूरे को। देखिए दोस्तों, हमने ये पलट लिए। आप इसे अच्छे से प्लेस बना लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका यूज तो बाद में करेंगे, इसे हम रख लेते हैं। हम अब बाजू लेते हैं। ये हमने बाजू की मोरी में कच्चा डाल रखा है। ठीक है, ऐसे करके अब हमें जैसे हमें ये पट्टी लगानी है, सबसे पहले ये 1/2 इंच चौड़ी पट्टी करके हमें ये इसके ऊपर लगानी है, बिल्कुल लग पे हमें लगानी है। ठीक है, हम लगाते हैं यू करके, सिलाई लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ लपकी सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड से ऐसे करके फोल्ड करेंगे इसे। ठीक है, यूं करके इतनी हमें रखनी ही है। हम इसे अब इसमें सिलाई लगा लेंगे करके दूसरी साइड। ये मैं आपको हमारे ऐसे लग के लगा रहा हूँ, इससे आपकी बिल्कुल फिनिशिंग से आएगी। देखिए ऐसे करके बिल्कुल फिनिशिंग से आएगी। अगर आप पलट के लगाते हैं तो उसमें भी लग सकती है, उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और फिनिशिंग भी इतनी नहीं आएगी जितनी इसमें फिनिशिंग आएगी और जल्दी से बनेगा ये। ऐसे करके आप पूरी सिलाई कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा ली है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है हमारी सिलाई। ठीक है, अब जो हमने ये पट्टियां पलटी थी, ठीक है, अब उसे इस तरह बराबर से मिलाकर, ठीक है, यूं करके बराबर से मिलानी है। यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना हमें बिल्कुल भी, और हमें सिर्फ इधर इधर सिलाई मार देनी है। ऐसे करके ये बराबर से मिलानी है। ठीक है, और हमें इधर की साइड सिलाई मार देनी है, बस यूं करके इधर की साइड सिलाई मार देनी है। ठीक है, वैसे इधर की साइड मारनी है, ऐसे करके खींच लीजिए बिल्कुल आप टाइट करके और इधर की साइड मार देंगे। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करके हो जाएगी। अब हमें हमारे पास ये जो पट्टी है वो हमें इधर की साइड लगानी है, जैसे हमने ये वाली पट्टी लगाई थी, ये वाली, वैसी हमें यहाँ लगानी है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इससे मिलाते हुए एक पूरी पट्टी लगा देती है करके। चलिए लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे करके हमें ऐसे लगा कर सही लगाइए। अब हम इसे भी इतनी बारी इतनी फोल्ड करी है हमने, इतनी चौड़ी वाली फोल्ड कर देंगे। ठीक है, यूं करके। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, हमने ये सिलाई लगा ली जैसे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब आप इसका 20 सेंटर उठा लीजिए, यूं करके मिलाकर इसका 20 सेंटर उठा लीजिए। ठीक है, ये चीज 20 सेंटर ले लिया हमने। ठीक है, और आप एक सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिए बिल्कुल, यूं करके।
ठीक है, फिर आप सुई में धागा डाल लीजिए, डबल करके धागा डालें ताकि टूटे ना, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। और फिर आपको ये ऐसे करके लेनी, यूं 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 ऐसे करके लेते जानी है, ठीक है, यूं करके। यूं करके जैसे मैंने ले ली, ठीक है, ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है, फिर से खींच लीजिए आप पूरे कपड़े को यूं करके, ठीक, फिर एक टाका मार दीजिए आप पूरा यूं करके, एक टाका वो ले लीजिए। देखिए हमने टाका मार लिया है, या देखिए दोस्तों ये हमने बीच में टाका लगा लिया है, ठीक है, हमने धागा काटा नहीं है, ठीक, हमारे पास ये बड़ा वाला मोती है, ठीक है, हम अब इसे इसके अंदर ही प्रो देंगे, यहाँ पे हम फिक्स करके इसमें लगा देंगे, ऐसे करके हमारा फिक्स करके बिल्कुल ऊपर ऊपर लग जाएगा, ठीक है, इसे एक बार और ले लेते हैं ताकि पक्का हो जाए अच्छे से, फिर हम इसे नीचे पक्का कर देंगे, ठीक है, हम बस पीछे भी इसे पक्का कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने टाका लगा दिया है, मोती लगा लिया हमने, ठीक है, अब बस आप एक 20 सेंटर में, ये हमारा जो निशान लगा हुआ है, इस 20 सेंटर में बिल्कुल इस कपड़े को मिलाकर ऐसे करके एक टाका मार दीजिए यूं करके, ताकि आपका बटरफ्लाई ऊपर नीचे ना हो, या आपकी जो नॉट बनी है वो ऊपर नीचे ना हो, ठीक है, ऐसे करके इसमें आप एक टाका मार दीजिए बस यूं करके। देखिए दोस्तों ये हमारा यहाँ फिक्स हो चुका है, ये हमारा डिजाइन अब रेडी हो चुका है बिल्कुल, ठीक है, ये आपका ऐसा आएगी बिल्कुल नॉट बिल्कुल, ठीक है, यूं करके आएगी, जब आप बाजू में सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल फिक्स आ जाएगा आपका ये ऐसे करके, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को एक प्यार सा कमेंट जरूर दीजिए, थैंक यू।